एक कम्युनिटी में जो अपन पढ़ रहे हैं फ्लक्चुएशंस, यानी कि एक उतार चढ़ाव जनसंख्या को लेकर, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में अध्ययन करना है। तो ऐसे अपने को नेचर में रेयरली देखने को मिलेगा कि एक पॉपुलेशन है जो किसी कम्युनिटी में लोकेटेड है और कंटिन्यू ग्रो करती जा रही है बीच में बिना किसी रुकावट के, क्योंकि ये प्रकृति है। प्रकृति में कई रुकावट है बीच बीच में आती हैं, चाहे वो सीजन से रिलेटेड हो, चाहे वो फूड की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो स्पेस से रिलेटेड हो, या फिर कुछ और हो। तो ये जब रुकावटें नियमित अंतराल पे आती हैं, तो पॉपुलेशन जो कम्युनिटी में लोकेटेड होती है उसकी ग्रोथ हमेशा एक सी नहीं रहती, यानी कि बीच बीच में वो ग्रोथ जो होती है ना, उसकी जो दर है वो बढ़ या घट सकती है, वो डिपेंड करता है फैक्टर्स की अवेलेबिलिटी पर। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि वो कम्युनिटी स्मूथली ग्रो करके एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाए, जितने मैक्सिमम एनवायरमेंट के पास रिसोर्सेज हैं वहां तक वो पहुंच जाए, ऐसा रेयरली होता है और वहां बनी रहे। जबकि होता ऐसा है कि पॉपुलेशन में होने वाले जो फ्लक्चुएशन है वो इसकी संख्या और प्रचुरता को प्रभावित करते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं पॉपुलेशन साइकिल्स जो अपन पढ़ रहे हैं, जो नियमित अंतराल पे कम और ज्यादा पॉपुलेशन का होना पॉपुलेशन साइकिल कहलाता है। तो ये पॉपुलेशन साइकिल जो होती है ये पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन को निर्धारित करती है। पॉपुलेशन साइकिल एक विशेष प्रकार का पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन क्रिएट करती है, उसको निर्मित करती है, उसको निर्धारित करती है। तथा पॉपुलेशन साइकिल में ग्रोथ कर्व जो होते हैं, जो अपन ने पढ़े थे जे शेप कर्व या एस शेप या सिग्मॉइडल कर्व, वो कर्व जो होते हैं वो बेसिकली काफी उतार चढ़ाव वाले होते हैं। अगर अपन प्रैक्टिकली उनको देखें तो कोई भी पारिस्थितिकी वैज्ञानिक है, कोई भी इकोलॉजिस्ट जो है, वो अपने पॉपुलेशन को नियंत्रित करने वाले कारकों को दो श्रेणी में बांट देते हैं मोटे तौर पर। एक वो कारक है जो है डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स, एक वो कारक है जो डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स है। डेंसिटी पॉपुलेशन की ही है, तो मान लीजिए अपन ने लिखा पहले डेंसिटी इंडिपेंडेंट कारक, ऐसे फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर की श्रेणी मानते हैं जैसे वेदर और क्लाइमेट, ये कारक ऐसे कारक हैं जो पॉपुलेशन डेंसिटी को कंसीडर न करते हुए उस पॉपुलेशन साइज पर प्रभाव दर्शाते हैं। वेदर खराब है, आंधी तूफान बारिश खराब वेदर होगा, अब उसमें ये नहीं कि सब पॉपुलेशन अगर 1000 है तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और पॉपुलेशन अगर 100 है तो कम प्रभाव पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। वो तो प्रभाव पड़ता है तो फिर सब पे पड़ता है। तो ये कैसा कारक हो गया, डेंसिटी इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर राइज हो गया या टेम्परेचर फॉल हो गया बहुत ज्यादा, ये पॉपुलेशन का साइज जो है वो इस पर कोई इंफ्लुएंस नहीं रहेगा, वो तो जो भी चीज दिखेगा उस पर जो प्रभाव होना होगा वो उस पर हो जाएगा। ये कारक क्या कहलाते हैं, डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर्स कहलाते हैं। कुछ कारक ऐसे होते हैं जो दूसरी श्रेणी में आते हैं, जिनको बोलते हैं डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स। ये कारक जो अपना प्रभाव छोड़ते हैं वो पॉपुलेशन साइज को देख के छोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक एपिडेमिक हुआ जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं महामारी, वो एपिडेमिक ज्यादा कब फैलता है, जब पॉपुलेशन एकदम क्लोजली यानी कि लोग बिल्कुल एकदम सटे हुए रहे हैं, कम जगह में रहे हैं। और ये चीज अप्लाई हो जाती है प्लांट्स और एनिमल्स में भी कि जब वो बहुत ही हाई डेंसिटी एरिया में रह रहे हैं तो उनके अंदर वो डिजीज बड़ी आसानी से फैल जाती है किसी भी कारण, चाहे वो वायु जनित हो, चाहे वो जल जनित हो, चाहे वो किसी भी तरह की हो, तो वो रोग ज्यादा फैलने की संभावना होती है। तो नेचुरली जब रोग फैलेगा तो पॉपुलेशन का साइज कम हो जाएगा। पॉपुलेशन का साइज कम होगा तो नेचुरल ये हो गया फ्लक्चुएशन आपके एकदम से पॉपुलेशन गिर जाएगी। तो डेंसिटी डिपेंडेंट कारक हो गया। तो डेंसिटी डिपेंडेंट कारक जो होते हैं उसमें एक उदाहरण है कई रोग डिजीजेस जो किसी पॉपुलेशन में तेजी से फैलती हैं, और जब जनसंख्या अधिक होती है तो जीव एक दूसरे के अधिक निकट होते हैं, और इस प्रकार डेंसिटी बढ़ने से जो होता है वो दूसरे कारक है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे फूड की अवेलेबिलिटी। डेंसिटी अधिक होगी जो फूड के रिसोर्सेज है उन पर प्रेशर अधिक होगा, क्योंकि फूड तो लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो प्रेशर किस पर है, फूड पे। इसी तरह से जो दूसरे रिसोर्सेज जैसे स्पेस है रहने के लिए जगह है वो भी सीमित है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो स्पेस के लिए भी स्ट्रगल होगा। तो ये वो कारक हैं जो कि पॉपुलेशन का साइज निर्धारित करता है और किस पे निर्भर होते हैं, डेंसिटी पे। दो तरह के कारक है, एक हो गया डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर के फॉर्म में है वेदर और क्लाइमेट, और कई कारक ऐसे हैं जो डेंसिटी डिपेंडेंट है, खासतौर से कई डिजीजेस
और इसी प्रकार से फूड और अन्य रिसोर्सेज के प्रति जो कंपटीशन है डेंसिटी बढ़ने पर वो बढ़ जाएगा। इसी को अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू कर रहे हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि कम्युनिटी की जो डायनेमिक्स होती है वो डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट दोनों कारकों से प्रभावित होती है तथा दोनों को और कारकों का तुलनात्मक यानी कि एक रिलेटिव इफेक्ट जो होता है वो भिन्न भिन्न पॉपुलेशन पे एक सा ना होकर वो डिफरेंट होता है। अपन ने दो तरह के फैक्टर्स देखे अभी जो कि फ्लक्चुएशन को रेगुलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक थे डेंसिटी डिपेंडेंट, एक थे डेंसिटी इंडिपेंडेंट। तो अपन यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि डेंसिटी डिपेंडेंट कारक और डेंसिटी इंडिपेंडेंट कारक उनका प्रभाव सभी कम्युनिटीज की पॉपुलेशन पे हमेशा एक सा नहीं होता, वो प्रभाव जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बदलता रहता है या बदलता है। अपन ने क्या किया कलेक्टिवली एक मोटे तौर पे डेंसिटी इंडिपेंडेंट जो फैक्टर्स थे जैसे अपन ने देखा कि लाइट है, टेम्परेचर है, इस तरह के जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनको अपन लिमिटिंग फैक्टर्स की श्रेणी में डाल सकते हैं, ये हो गए लिमिटिंग फैक्टर्स। और दूसरा है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, इनको अपन कह देते हैं रेगुलेटिंग फैक्टर्स। तो दो प्रकार के फैक्टर्स हो गए, एक है लिमिटिंग फैक्टर्स के समान कार्य करने वाले और एक है रेगुलेटिंग फैक्टर्स के समान कार्य करने वाले कारक। कारण क्या है कि ये जो रेगुलेटिंग फैक्टर्स है ना ये पॉपुलेशन डेंसिटी को एक नैरो रेंज में मेंटेन करने में सक्षम होते हैं, नैरो रेंज में मेंटेन करने में सक्षम होते हैं। इस बात का जो मीनिंग है वो ये है कि न तो पॉपुलेशन एकदम से कम हो पाती है न एकदम पॉपुलेशन तेजी से बढ़ पाती है। तो उस पॉपुलेशन को अपनी लिमिट्स में बनाए रखने का काम, अपनी सीमा में बनाए रखने का काम वो करता है डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, जिनको अपन नाम दे दिया रेगुलेटिंग फैक्टर। तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। आपकी यूनिट नंबर 4 का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोसिस्टम इकोलॉजी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर तुम इसको स्टार्ट करें इसकी डेफिनेशन से तो इकोसिस्टम बेसिकली एनवायरमेंटल बायोलॉजी का एक बेस है, एक आधार है जिस साइंस को अपन पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम्स इसके अंदर चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो जमीन का माइक्रोफ्लोरा हो, बायोलॉजिकल सिस्टम बन जाता है। और इससे संबंधित जो फिजिकल एनवायरमेंट होता है, फिजिकल एनवायरमेंट में सब चीजें आ जाती हैं। अगर सॉइल की बात करें वो फिजिकल एनवायरमेंट है, धूप की बात करें तो वो फिजिकल एनवायरमेंट है, और दूसरे जितने फैक्टर्स हैं वो फिजिकल एनवायरमेंट में आ जाते हैं। ये मिलकर क्या बना देते हैं एक इकोसिस्टम या हिंदी में जिसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम एक चीज हो गई और इसके साथ में क्या जोड़ा इससे संबंधित फिजिकल एनवायरमेंट, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम बना देते हैं। ये टर्म दिया था आर्थर टेंसलर ने 1935 में। इकोसिस्टम कंसेप्ट के अनुसार कम्युनिटी ही जो होती है उसमें रहने वाले जितने भी जीव होते हैं वो आपस में तो इंटरेक्ट करते ही करते हैं अलग अलग तरीके से। कोई परजीवी है, होस्ट है, है ना, कोई शिकारी है, कोई शिकार है ना, कोई सहजीवी है, अलग अलग तरह से जीव आपस में अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और उनमें आपस में इंटरेक्शन जब होता है तो ऐसा नहीं कि केवल वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वो अपने सराउंडिंग जो एनवायरमेंट जिसमें भी वो रह रहे हैं उस एनवायरमेंट के साथ भी वो इंटरेक्ट करता है, नॉन लिविंग एनवायरमेंट के साथ भी कार्यात्मक रूप से फंक्शनली रिलेटेड रहते हैं। तो इकोसिस्टम इकोलॉजी जो होती है वो अगर अपन पढ़े तो बेसिकली इकोसिस्टम पे फोकस करती है वो, जिसको अपन कह देते हैं कि ये इकोलॉजी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट की तरह कहलाती है। ठीक है, इकोलॉजी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या हो गई, इकोसिस्टम हो गई। अगर अपन एक इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अंदर कई जो है सेलियंट फीचर यानी कि अभिलाषणीय गुण होते हैं उसके, जिस कारण से वो एक अपने आप में एक यूनिट की तरह काम करता है। वो गुण क्या होते हैं उनको अपन ने चार श्रेणियों में बांट दिया। तो इकोसिस्टम के घटक जो है वो कैसे काम कर रहे हैं, एक इकाई की तरह काम कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कि एनर्जी फ्लो, ऊर्जा का प्रवाह, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। इनको अपने को विस्तार से पढ़ना है कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किस प्रकार से एक
ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी फ्लो होता है। इसी प्रकार हर इकोसिस्टम की अपनी प्रोडक्टिविटी होती है, उसका बायोमास होता है, उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है, किस दर से ऊर्जा उत्पादन होता है उसकी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इस तरह से जो भी डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिज्म है उनका डिकम्पोजिशन होता है और डिकम्पोजिशन के बाद में जो भी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसकी साइक्लिंग होती है, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी सबकी साइक्लिंग होती रहती है। मींस ये सजीवों से निर्जीव वातावरण में, निर्जीव से वापस सजीव वातावरण में ये न्यूट्रिएंट जो होता है वो घूमते रहते हैं। तो ये इकोसिस्टम के चार बेसिक जो है वो कंपोनेंट्स हैं जो कि क्या काम कर रहे हैं, एक यूनिट की तरह मिलकर काम कर रहे हैं। इनको अपन आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। जो अपन इकोसिस्टम इकोलॉजी को पढ़ते हैं तो उसमें एक पॉइंट ये आता है कि एक इकोसिस्टम में बेसिकली होता क्या है। इसमें दोनों तरह के कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक, दो प्रकार के घटकों से मिलकर ये निर्मित होता है। इकोसिस्टम में जो जीव होते हैं वो अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पोषक पदार्थों को लेते हैं, उनको अपघटित करते हैं, सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उस ऊर्जा से वो अपना जीवन यापन करते हैं। ग्रोथ, रिपेयरिंग, रिप्रोडक्शन, ये सारे काम ऊर्जा के माध्यम से होते हैं। उसके बाद में वो अपशिष्टों को बाह्य वातावरण में पुनः त्यागते हैं और एक समय आता है जब वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं और वापस से उसी सराउंडिंग एनवायरमेंट में मिला दिए जाते हैं। ये एक प्रकृति का एक चक्र है और इसी चक्र के माध्यम से जो मिनरल्स या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जिसे अपन कहते हैं वो चलती रहती है। तो ये चीज मैंने यहां पे लिखी है कि एक इकोसिस्टम में जीव अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट से लगातार पोषण प्राप्त कर उससे ऊर्जा निर्मित करते हैं तथा वेस्ट मटेरियल को पुनः अपने सराउंडिंग में रिलीज कर देते हैं। यह पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। ये पूरा प्रोसेस कहलाएगा साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। ऊर्जा प्राप्त करने का अल्टीमेट सोर्स क्या है, सन, सूर्य, इसको अपन अभी आगे और पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये संक्षेप में जो आप काफी टाइम से छोटी क्लासेस से आजकल पढ़ा लिया जाता है, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के, एयर, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, टेम्परेचर, ये सारे एबायोटिक फैक्टर हैं। और बायोटिक फैक्टर्स को हम बायोटा कहते हैं, उसमें लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे आ जाते हैं। इसको अपन ने तीन श्रेणियों में बांट दिया, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, स्वयं पोषी होते हैं, या फिर ये कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अर्थात किसी रसायन की सहायता से सराउंडिंग में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सहायता से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इसमें इंक्लूडेड होते हैं प्लांट्स, बैक्टीरिया और एल्गी, जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। दूसरी श्रेणी आ जाती है कंज्यूमर्स की, जो होते हैं हीटरोट्रॉफ्स या इनको अपन फैगोट्रॉफ्स भी कह देते हैं। इनकी जो श्रेणियां होती हैं जैसे शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी, तो ये शाकाहारी और सर्वाहारी, हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स, ये तो हो जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि फीड करते हैं हर्बीवोर्स पे, है ना। और ये एक श्रेणी और है कार्निवोर्स की, जो सेकेंडरी या टर्शियरी कंज्यूमर्स वाली श्रेणी में चले जाते हैं। तो शाकाहारी कैसे हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि क्लोरोफिल बेयरिंग प्लांट्स या इस तरह के सब्सटेंस को ईट करते हैं, और ओमनीवोर्स जो दोनों तरह का फूड ले सकते हैं, और कार्निवोर्स जो शुद्ध रूप से मांसाहारी होते हैं। तो कार्निवोर्स की दो श्रेणियां, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, ये शुद्ध रूप से मांसाहारी होते हैं, है ना, स्ट्रिक्टली कार्निवोर्स होते हैं। फिर आ जाता है नंबर थ्री पे डिकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स या सैप्रोट्रॉफ्स, ये भी कैसे हैं, हीटरोट्रॉफ्स हैं। हीटरोट्रॉफ्स जो कि डिकम्पोजिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिनरल साइक्लिंग के अंदर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के अंदर, है ना। बैक्टीरिया, फंगस और कुछ एक प्रोटोजोआ जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया को हेल्प करने के लिए, वो इस काम में मदद करते हैं। तो अपने पास में कंसेप्चुअल बातें जो होती है ना वो क्लियर होनी चाहिए ताकि आगे का आपको इजीली समझ में आ जाए। ये बेसिक चीजें हैं जो अपने को शुरू में सीखनी होती हैं। आगे लेक्चर में इसको कंटिन्यू करवाऊंगा। दिस इज टू बी कंटिन्यू। अब
अपन किसी भी इकोसिस्टम को समझे उससे पहले अपने को एक सिस्टम नाम के शब्द पे थोड़ा सा फोकस करना है कि सिस्टम किसे कहते हैं। किसी भी तंत्र में, किसी भी सिस्टम में क्या होता है कि कई इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर भाग होते हैं। जैसे अपन एक उदाहरण लिखा है यहाँ पे रेडियो का, तो रेडियो को अगर अपन उसके स्ट्रक्चर को देखें अंदर से, तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं, ट्रांसडक्टर्स भी होते हैं, उसके अंदर तार भी जुड़े रहते हैं, उसके अंदर स्पीकर भी होता है, उसके अंदर कंट्रोल नॉब्स भी होती है आवाज कम ज्यादा करने के, इस तरह के कई यंत्र होते हैं, तब जाके अपने को कहीं ध्वनि सुनाई देती है उस रेडियो से या ट्रांजिस्टर से, ठीक है ना। अब इसके अंदर प्रॉपर साउंड सुनाई दे इसके लिए क्या जरूरी है, एक प्रॉपर आउटसाइड इनपुट का प्राप्त होना। अब ये इनपुट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली, या फिर सेल से चलता है तो सेल से प्राप्त एनर्जी, बैटरी से प्राप्त एनर्जी। अब ये आउटसाइड से जो एनर्जी प्राप्त हुई, पहले तो उसने उसको यूटिलाइज किया किस काम में, साउंड वेव्स को कलेक्ट करने में, ध्वनि तरंगों को एकत्र करने में। उन ध्वनि तरंगों को इसने एकत्र करके और कन्वर्ट किया किसमें, साउंड वेव्स में या साउंड एनर्जी में, जिसको अपन सुन पाते हैं। ये आउटपुट हो गया। तो सिस्टम में क्या क्या होता है, बेसिकली चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, अपन तो इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, उस सिस्टम में एक तो होगा आपके पास में इनपुट और एक क्या होगा आउटपुट, ठीक है। तो यहां पर आप एक रेडियो के माध्यम से इनपुट को कैसे देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से अपन ने क्या किया, साउंड वेव्स को कलेक्ट कर लिया और पूरे सिस्टम को चलाया, और अपने को आउटपुट के रूप में क्या प्राप्त हो रहा है, साउंड। तो यहां पर ये पूरा एक सिस्टम बन गया। इसी तरह से इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में जो इनपुट है वो किससे प्राप्त हो रहा है, सन से, और ये एनर्जी जो होती है इनपुट के रूप में प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रैप कर लेते हैं क्लोरोफिल की सहायता से, फोटोसिंथेसिस करते हैं एल्गी या ब्लूग्रीन एल्गी, है ना, ये ट्रैप करके उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, न्यूट्रिएंट्स के अंदर, स्टार्च सिंथेसिस हो जाएगा। स्टार्च सिंथेसिस हो गया, उसको कंज्यूम किया किसने, जंतुओं ने, जंतुओं ने अपने अंदर एकत्र कर लिया, जंतुओं ने अपने ऊतकों में जमा कर लिया, अपने जीवन के अंदर ऊर्जा प्राप्त करके वृद्धि कर ली, रिप्रोडक्शन कर लिया, रिपेयरिंग कर ली, ये सारा एनर्जी यूटिलाइजेशन। सेम बाय प्लांट्स, अगर प्लांट्स के अंदर है तो उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर भी मिनरल्स हैं, उसके अंदर भी वाटर कंटेंट है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स अल्टीमेटली एक समय के बाद, जो इनकी लाइफ कहलाती है, एक निश्चित होती है, उस समय के बाद इनकी मृत्यु होती है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो। मृत्यु के बाद क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, अपघटन होगा, जो कि सूक्ष्म जीवी करते हैं मिट्टी के अंदर, और ये मिनरल साइक्लिंग हो जाती है। ये पूरा इकोसिस्टम का एक पाथ है, मिनरल साइक्लिंग होगी और ये मिनरल्स वापस से सॉइल या वाटर में मिला दिए जाएंगे, इनको वापस से ये प्लांट्स ले लेंगे और ये साइकिल दोबारा से रिपीट हो जाएगी। तो इस तरह का एक सिस्टम बन जाता है इकोसिस्टम में, इसी को अपने को आगे पढ़ना।